नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है। अभिनंदन है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सीयूटी यूजी 2024 के बच्चे अपने कट ऑफ का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और हम आपकी स्थिति और परिस्थिति को समझ रहे हैं क्योंकि कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग बता रहे हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीए के लिए कुछ न कुछ अब जैसे कि कहते हैं कि खाना पकने के पहले स्वाद आ जाता है, वैसे ही कुछ हुआ है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बीए एडमिशन जो डायरेक्टर हैं बीए के प्रोफेसर राम मनोहर यादव ने एक नोटिस जारी किया और उस नोटिस में कहा गया है कि जो बच्चे यूनिवर्सिटी वार्ड यानी कि जो शिक्षक के पुत्र या पुत्री रहती हैं वो बच्चे अपने फॉर्म को सबमिट कर दें 10 सितंबर तक। यानी कि अभी आपके लिए नॉर्मल नोटिस नहीं, लेकिन कुछ न कुछ काम होना अभी कट ऑफ पे स्टार्ट हो गया है। अभी मैं खुद साइंस फैकल्टी में ही था लेकिन अभी सर से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई है, हो सकता है वो प्रवेश भवन में हो। आपकी कट ऑफ आज आने की पूरी संभावना है क्योंकि ये विश्वविद्यालय प्रशासन भी जान रहा है कि अब बहुत डिले हो रहा है, आपके सब्र का बांध भी टूट रहा है। लेकिन समस्या तो है और इसमें हमको भी नहीं पता कि कट ऑफ कब आएगी, लेकिन आज पूरी उम्मीद है, मैक्सिमम चांसेज हैं आपकी कट ऑफ को आने के। हो सकता है सभी कोर्स का जारी हो जाए, हो सकता है कुछ कोर्स का बचा रहे बाकी कुछ का जारी हो जाए, लेकिन अब सबको ये पता चल रहा है कि डिले पे डिले हो रहा है। तो पहली बात तो आपसे मैं बहुत ये हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप मेरी बात मानिए और अभी धैर्य का थोड़ा परिचय दीजिए। आपके अंदर पेशेंस नाम की चीज़ अभी होगी नहीं क्योंकि वो पेशेंस दिखाना भी नहीं चाहते आप, क्योंकि तारीख पे तारीख इतनी दिन से हो रही है। तो आपकी स्थिति परिस्थिति को समझ रहे हैं, कई विश्वविद्यालयों में सत्र स्टार्ट हो गए हैं और अभी आपकी कट ऑफ ही नहीं आई है, लेकिन आपका एडमिशन होगा। मैंने जो सेफ स्कोर आपसे डिस्कस किया है उसके ऊपर जितने बच्चे हैं वो सभी बच्चे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए वेट करें। और आपके लिए थोड़ी सी ये भी बात है कि बहुत सारे बच्चे कहीं और मूव भी कर चुके हैं, तो मैक्सिमम कट ऑफ गिरने के चांसेज हैं मेन कैंपस ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। तो आप जल्दबाजी के चक्कर में कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन न ले लें, कहीं आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का अपना एक अलग ही महत्व है। भले ही डिले हो रहा है, समस्या पे नहीं समाधान पे बात करना चाहिए और इस समय आपके धैर्य का परिचय ईश्वर भी ले रहा है, विश्वविद्यालय भी ले रहा है। तो एक से एक आध दिन और देख लीजिए, कुछ चंद घंटे की बात है, अभी आप वेट कर लीजिए। काम तेज़ी से चल रहा है, इनका काम तो बहुत दिन से तेज़ी पे चल रहा है, तो मैं डिफेंड तो यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस हम आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आपके एडमिशन होगा। सब्र का फल मीठा होता है लेकिन ज़रूरी वो है कि आपका वो फल कब मिलेगा आपको, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। तो आज कट ऑफ आने की पूरी उम्मीद है, मैक्सिमम कोर्सेज के प्रोफेशनल कोर्सेज के जो कट ऑफ है उस पर काम तेज़ी से चल रहा है। सभी डायरेक्टर्स जो है प्रवेश भवन में इस समय हैं क्योंकि डिपार्टमेंट में कोई भी मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये है कि काम तेज़ी से कट ऑफ पे चल रहा है। और आप लोग वेट करिए, जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपको सूचित करूँगा, लेकिन इस समय धैर्य का बहुत परिचय दीजिए क्योंकि हमारा काम ये है। आप अगर बहुत ज़्यादा अति उत्साहित हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा आप जो है आपका धैर्य टूट रहा है, तो आपके धैर्य को किस तरीके से बांधा जाए ये मेरा दायित्व यहाँ पर बनता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य। पिछले साल भी ऐसे हुआ था कि आप लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे और अपना फ्रस्ट्रेशन आप हम पे उतारेंगे, तो हम पे आप खुशी खुशी अपना फ्रस्ट्रेशन उतार सकते हैं, मैं उसका बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ। तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बस ये है कि कुछ भी होगा मैं आपको सही सलाह ही दूंगा। अभी वेट करते रहिए, वेट करते रहिए। और ये भी ज़रूरी नहीं कि आपका पहली कट ऑफ में एडमिशन हो जाए। पहली कट ऑफ मान लीजिए 600 नंबर गई, 550 गई, अगर आपका 400 नंबर है तो आपको वेट तो करना होगा, तो अभी आपको और वेट करना होगा। तो वेट करते रहिए, कट ऑफ आपकी बन रही है और उम्मीद करते हैं कि आज सारी कट ऑफ आपकी रिलीज हो जाएगी। जिन कोर्सेज की नहीं होगी उनकी कल तक तो पक्का हो जाएगी। मैंने आज सुबह आपसे, मैं सच बता रहा हूँ कि मैंने सर के पास, जो डिप्टी डायरेक्टर सर उनके पास मैंने मैसेज किया और वो मैसेज मैं आपको बताऊँ कि सर बहुत डिले हो रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत सारे बच्चे मूव कर रहे हैं, एकदम उनके सब कमान टूट रहा है। तो उन्हें रिप्लाई दिया है संतोषजनक, तो आज पूरी तरीके से काम हो रहा है, उम्मीद करते हैं कि हो जाएगा। लेकिन इस परीक्षा की घड़ी में, ये आपकी परीक्षा ही हो रही है, धैर्य की परीक्षा हो रही है, इसमें आप अपने आप को बहुत बांधे रखिएगा। अगर अभिभावक आपके बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो दिखा दीजिए, आपके एडमिशन होगा, ये मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ। आप मेरा भरोसा करिए, मेरा आप ट्रस्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जुड़े रहिए अभिनव द्विवेदी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ, सबसे अच्छी कवरेज के साथ। थैंक यू।